पारद कमुवा बेले थरुछि ओडिसा शीत लहरी रे जनजीवन अस्तव्यस्त। फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 8.5 डिग्री रेकर्ड। आगामी तीन दिन जाए राज्य में तापमात्रा कमिबा संग को बढ़िबो शीत लहरी। ओडिसा को पश्चिम दिगरु थंडा शुष्क वायु प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले एहा प्रभाव रे राति रे खसिबो तापमात्रा। फळरे आगामी तीन दिन जाए राज्य में तापमात्रा खसिबाने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आकलन करा केतेक जिला को येलो वार्निंग जारी होछि। राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा फुलबाणी ठारे 8.5 डिग्री रेकर्ड होछि। सेपरि राजधानी भुवनेश्वर में सर्वनिम्न तापमात्रा 17.4 डिग्री, कटक में 14.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होछि। वर्तमान ओडिशा उपरे कोनोसी सिग्निफिकेंट सिस्टम नाही, तेणु आगामी 5 दिन जाए पाग मुख्यतः भाव में शुखिला रहिबो। किंतु गतकाली झारखंड एवं बिहार मध्य दे आमर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थिला सीटा क्रॉस करछि, ता प्रभाव रे ओडिशा मध्य को ठंडा शुष्क वायु प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान सक्रिय होइछि। तेणु आगामी तीन दिन पर शीतलहरी परिस्थिति सृष्टि होवार संभावना रहुछि। तेणु डे वन आमर 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कर दैछि। भुवनेश्वर रे आज आमर सकाळ समय सर्वनिम्न तापमात्रा 17.4 डिग्री रेकर्ड होइछि, कटक ठारे 14.8 डिग्री रेकर्ड होइछि, जहाँ अनुमान करा जाइछि आगामी 24 घंटा रे आसंता काली सकाळ समय 1-2 डिग्री पर्यंत तापमात्रा तळी खसिबार संभावना रहुछि। अन्यपटे आगामी 2-3 दिन भितर राज्य में तापमात्रा 3-4 डिग्री ह्रास नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। एथस शीत लहरी को नहीं येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक सकाळ एवं संध्या समय घर न बाहर को परामर्श दि जाए। गृहपात पशु मानक आवश्यक गृह से रखा कहु जो आम थंडा शुष्क वायु प्रवाहित होता प्रभाव में आगामी 2 दिन मध्य रात्रि तापमात्रा 3-4 डिग्री पर्यंत तलू खसार संभावना रही। तेणु शीतलहरी जो अंचल प्रभावित संभावना पर येलो वार्निंग जारी कर मुख्यमंत्री से ही अंचल जिले लोक मान अनुरोध कर साधारण जो लोक मैंने रोचे रात्रि समय और सकाल समय पहांती समय सकाल समय घर मध्य बाहर को बाहर ना ता छड़ा आमर जो गृहपालित पशु अच्छा से मानकर आवश्यक जो गृह रोच गुहा गाई मान गुहा छेली शाड़ कुकुड़ा वाड़ी यह सबू से ताधे रखु जहाद्वारा से शीत जनित जो शीतलहरी प्रभाव कौन भाव में प्रभावित हो ना। सेपरि आगामी 24 घंटा रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबा को थिबा बळे सकाळ समय रे हल्का कोहरी नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।